Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, मैं हूँ खालिद खान। कोरोना को लेकर के परेशानियाँ मुस्तकिल बढ़ती जा रही हैं और लोग भी परेशान हैं कि इतने ज़्यादा बढ़े हुए लॉकडाउन को हम किस तरीके से इस्तेमाल करें। मेरे जहन में यह ख्याल आया कि इस लॉकडाउन में भी ज़रूर कुछ ना कुछ राज पोशीदा है और यहाँ पे मुझे कुरान की वो आयत याद आ रही है जिसमें अल्लाह ताला कहता है फ़ाइन्ना मअल उस्र उस्रा इन्ना मअल उस्र उस्रा, हर परेशानी के साथ आसानी है, हर परेशानी के साथ आसानी है। तो आइए देखते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या आसानियाँ हमारे साथ मिलती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारे साथ में हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम देखते हैं कि इसमें हमें फ़ायदा क्या हासिल हुआ। देखिए नेचुरली अगर हम देखने जाएं तो इसमें बहुत से फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जैसे कि एयर क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो गई है, यानी कि आसमान बहुत साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। जो पोल्यूशन लेवल था वो कई गुना ज़्यादा नीचे हो गया है। इसी तरीके से समंदर का पोल्यूशन, यानी मुंबई के बीचेस वगैरह और दूसरी चीज़ें भी अगर हम देखें तो वो भी बहुत साफ़ दिख रहे हैं। आप देखिए कि किस कदर साफ़ पानी है और मछलियाँ भी बहुत फ्रीली ऊपर आ जा रही हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के सही होने की वजह से एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है बहुत ज़्यादा और सांस लेने में भी अच्छा महसूस हो रहा है। ये इस वजह से है कि सडनली पूरी दुनिया में लाइफ थम गई है। जो हमारा पोल्यूशन लेवल था बहुत नीचे आ गया था। इसी तरीके से ओजोन की लेयर जो हमारी सन रेज को फिल्टर करके ज़मीन तक हम तक पहुंचाती है और उसकी जो डेंसेस रेज हैं उसको वहां से हमसे दूर कर देती है, वो बहुत थिन हो गई थी और साइंटिस्ट बहुत परेशान थे कि इस ओजोन की लेयर को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। और अभी लेटेस्ट रिसेंटली हम देख रहे हैं साइंटिस्ट ने मालूम किया है कि वो जो ओजोन की लेयर है वो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही है, यानी कि देयर इज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि नेचर जो है वो अपने तरीके से इसको इम्प्रूव कर रही है, अपने पर्यावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश कर रही है, जो कि हम अपनी प्रगति के उसमें, अपनी प्रोग्रेस के चक्कर में कहीं पे भी रुकना हम भूल गए और बढ़ते ही चले जा रहे थे कि एक होड़ सी लग गई थी पूरी दुनिया में कि कौन कंट्री, कौन शख्स दुनिया में आगे निकले। लेकिन ये होड़ इंसान को समझना चाहिए कि देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, हमें कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। और अल्टीमेटली ऐसी जगहों पर जो कुदरत होती है वो खुद सोच समझ कर फैसले करती है और फिर इंसान को ब्रेक लगा देती है। ये लॉकडाउन एक इस तरीके से आया है कि इसमें पूरी दुनिया एकदम से रुक गई है। बड़ा सोचने का मकाम है कि जो कभी हमने सोचा नहीं था, द बॉम्बे लाइक सिटी मुंबई दैट नेवर स्लीप्स आज बिल्कुल स्टैंड एंड स्टिल है। इसी तरीके से दुनिया के दूसरे ममालिक, चाहे वो लंदन हो या न्यूयॉर्क हो, हर जगह पे सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी शख्स फ्रीली आ जा नहीं रहा है, हर शख्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे। इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इसके बहुत से नुकसान भी हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ा नुकसान जो इस वक्त सामने देखने में आया है वो है इकोनॉमिकली ब्रेकडाउन। जो हमारी इकनॉमी है वो बुरी तरीके से मुतासर हुई है और कई करोड़ लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, सर्वाइवल का ज़रिया ख़त्म हो गया है और बहुत परेशान है कि आगे ज़िंदगी किस तरीके से गुजरेगी। और अगर ये लॉकडाउन ख़त्म भी होता है तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसको रिकवर करने में बहुत अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। पता नहीं कितना टाइम लगे, एक साल लगे, दो साल लगे, हो सकता है ज़्यादा भी लगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ कि कितना लॉस हो रहा है और कितना इसका नुकसान जो हैं इकोनॉमिकली हम लोगों को बियर करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये जो नुकसान हो रहा है इसके लिए भी हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ में मिल रही हैं। वो देखना यह है कि टाइम के साथ में हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें जो इकोनॉमिकली जो हम लोग बहुत पिछड़ रहे हैं या पीछे आ गए हैं उसको मेकअप तो खैर कर लेंगे या जिस तरीके से भी होगा, लेकिन ये एक स्लो डाउन जो हुआ है ये बहुत फ़ायदेमंद है इंसानियत के लिए, लोगों को समझने के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए आने के लिए। वरना हर शख्स अपनी ही दौड़ में, अपने ही ट्रैक में बस भागा चला जा रहा था और उसको बिल्कुल सोचने की फिक्र नहीं थी कि आखिर कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें थोड़ा सा मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, वो हम देखते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें इस होड़ में, इस भागदौड़ में
इतना बेहोश नहीं था कि हम अपनी सेहत के बारे में ख्याल रख पाते। ये एक टाइम ऐसा मिल गया है महीना भर के करीब कि हम अपनी सेहत के बारे में ध्यान दे सकते हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे अपना एक्सरसाइज करनी है, कौन सा वक्त हमें देना है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप हेल्दी होंगे तो आप सब काम कर ले जाएंगे, और खुदा ना खास्ता अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो चाह कर भी आप अच्छे काम भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इबादत भी नहीं कर सकते। इसलिए हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ के लिए हमें ये देखने का बेहतरीन मौका मिला है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि अपने आप को हम हेल्दी मेंटेन रखें, और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल करके हम घर में ही अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह का सिलसिला जारी रखें, और कोशिश करें कि जब ये लॉकडाउन हट जाए तो उसके बाद भी हम अपनी हेल्थ से बाखबर रहें और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। वरना अननेसेसरी इस भागदौड़ में जब हमें वक्त नहीं मिलता और अपनी हेल्थ के ताल्लुक से हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं तो बहुत सीरियस किस्म के हमें हार्ट अटैक्स या दूसरी किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और फिर अगेन यू स्टॉप इमिडिएटली। तो बेटर ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल करके हम अपनी हेल्थ को संभाले रहें और इसको देखते रहें। दूसरा बेनिफिट जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, जिसके लिए हर शख्स काम भी कर रहा है, वो है आपकी खुद की फैमिली। अपने बच्चों के साथ में, अपनी बीवी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, अपने बाप के साथ में ये साथ गुजारने का मौका बहुत अच्छा मिल रहा है। अक्सर लोगों को अपनी भागदौड़ में, अपने कमाने की धुन में वक्त नहीं मिलता था कि बैठ के साथ में दो वक्त का खाना भी खा सकें। ये टाइम ऐसा मिला है कि हम अपनी पर्सनल बॉन्डिंग को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। जो हमारे पर्सनल रिलेशंस हैं, हमारी जो अपनी फैमिली जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं, उनके करीब बैठ करके हम अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं उनसे। तो ये बेहतरीन मौका है कि हम अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से स्ट्रांग ताल्लुकात डेवलप करना है। ओके, तीसरी अपॉर्चुनिटी, तीसरा मौका ये है कि हम अपने बच्चों को उनके एजुकेशन के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। ये मौका है कि आप उनके साथ में बैठ करके उनके स्टडीज़ के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों के स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चे आपके कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से प्रोग्रेस है, उनको कहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है और कहाँ पर वो एक्सेल कर रहे हैं, वहाँ पर अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को हौसला मिले कि हमारे वालिद, हमारी मदर जो हैं, दे आर गिविंग अस टाइम एंड दे अप्रिशिएट अवर एफर्ट्स। इसी तरीके से जो तीसरी चीज़ है कि वो एजुकेशन सेक्टर, तो इस वक्त एजुकेशन नहीं बल्कि हर सेक्टर मुतासिर हुआ है बुरी तरीके से। एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं, कुछ एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट ही नहीं हुए, फाइनल एग्ज़ाम्स, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इंस्ट्रक्शन दे दें कि अप टू 8th स्टैंडर्ड यू हैव टू प्रमोट एवरीबडी, सो बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्ज़ाम्स उनको प्रमोशन दिया जा चुका है। लेकिन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th ये सब इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं और इनको कंडक्ट करना ही करना है। यहाँ पे हमें एक सोचने का मौका मिला है कि अगर इस किस्म के हालात होते हैं तो हम इसको कैसे कोप अप करेंगे। और यकीनन आप सब ने ये साबित भी किया है कि आप घर में रह करके भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है एंड वी गॉट एक्सट्रीमली गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स ने भी अपने आप को भी अपग्रेड किया है, लेकिन अगर जिन्होंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया है, कंप्यूटर से इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो ये मौका है कि आप कंप्यूटर सीख लें, ईमेल करना सीख लें, समझें कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है। क्योंकि आने वाले वक्त में ज़्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होने वाली है। वर्चुअल क्लासरूम का कंसेप्ट ऑलरेडी आ चुका है और ये एक ऐसा मौका मिला है कि हम सब मिल करके, बैठ करके, एक दूसरे को समझ करके, एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के साथ बात करके, स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनसे बात करके आप ये ऑनलाइन के सिलसिले को जारी रख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका मिला है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन किस तरीके से देंगे, वो आप एक जो अपना लाइन ऑफ एक्शन है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्त में बच्चों को आप बेहतरीन तालीम दे सकें। इसके साथ ही मौका मिला है कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने का, अपने अंदर देखिए कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी या है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली हो या अदरवाइज सॉफ्ट स्किल्स हो, वो इम्प्रूव करने का बेहतरीन मौका है। अगर आपको स्पोकन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आप समझें, उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, यू कैन लर्न टू स्पीक एनी लैंग्वेज यू लाइक, तो एक लैंग्वेज सीखने का बेहतरीन मौका है। आप कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी फैमिली को डेवलप कर सकते हैं। ये बेहतरीन मौका है कि आप अपने खाली वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। सिर्फ व्हाट्सएप पे वीडियोस देख करके, दूसरों के इंस्ट्रक्शन सुन करके इसको वेस्ट ना करें,
मैं अपने पिछले वीडियो में ये बात बता चुका हूँ कि नोइंग इज नोइंग एंड डूइंग इज डूइंग एंड देर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग. सो जानना उसी वक्त फ़ायदेमंद होगा जब आप उसको अमल में लाएंगे. और ये टाइम जो ऐसा चल रहा है इस वक्त, इसको अगर हमने सही तरीके से प्लान करके इम्प्लीमेंट कर लिया, इसको हमने जो हमारा क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटीज से बदल दिया, तो यकीनन हम फायदे में रहेंगे. और ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा. ऐसा लगता है कि जो लोग टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा एडवांस होंगे वो बहुत जल्दी अपने लॉस को कवर अप कर लेंगे. लेकिन अगर ये मौका हाथ से निकल गया और हमने सिर्फ अपना टाइम इसी तरीके से वेस्ट कर दिया तो वी मे हैव टू स्ट्रगल ए लॉट. बहुत ज़्यादा हमें जद्दोजहद करना पड़ सकती है. तो इसलिए ये एक मौका है, बेहतरीन मौका है. इस कोरोना वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ को हम अपॉर्चुनिटीज़ से बदल दें और देखें कि हम आने वाले वक्त में बेहतर तरीके से इसका मुकाबला कर सकें. ऑल द बेस्ट. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एन अपडेट.